वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जनरेटिंग लाइंस, जो हमारा सॉलिड ज्योमेट्री बुक में चैप्टर नंबर 11 है और ये बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूनिट नंबर 4 है आपकी। ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा गया। जनरेटिंग लाइंस, जनरेटिंग लाइंस क्या होती है? जनरेटिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनको आप पैरेललली जनरेट करते जाओगे तो एक आपके पास एक फिगर बन जाएगी। तो आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग लाइंस ऑफ द हाइपरबोलाइड, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइड दे रखी है। आज हम पढ़ेंगे जनरेटिंग लाइंस ऑफ द हाइपरबोलाइड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड -4। तो जो इस पॉइंट से पास हो रही है उस जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन बनानी है। ध्यान से देखिए, जनरेटिंग इज अ लाइन, तो सबसे पहले लाइन बनाने के लिए पासिंग पॉइंट हमारे पास है। पासिंग देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट आपके पास है। दूसरा चाहिए आपको डायरेक्शन रेशियो, तो पासिंग पॉइंट आपके पास क्या है, 2 3 -4। डायरेक्शन रेशियो नहीं है तो डायरेक्शन रेशियो मान लो LMN, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो, या ABC जो आपका मन करे। तो देखिए पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो हो तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन क्या बनती है। तो लेट LMN बी द डायरेक्शन रेशियोज, बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटिंग लाइन। हमने जनरेटिंग लाइन की डायरेक्शन रेशियो मान ली। सो ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन इज, इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन फ्रॉम पासिंग पॉइंट, इन ऑफ जनरेटिंग लाइन फ्रॉम पासिंग पॉइंट दिस, कौन सा, 2 3 -4 इज, क्या बनेगी देखिए, एक्स माइनस ए। पासिंग पॉइंट क्या है, एक्स माइनस 2/L, y-3/M एंड z-±+4/। तो ये आपके पास एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइड आपको गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन हमने मान लिया, दिस इज इक्वल टू सम आर, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर। सो हमें एल एम और एन की इक्वेशन निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये जनरेटिंग लाइंस है, जनरेटिंग लाइंस मींस हाइपरबोलाइड की पूरी एक लाइन जिससे हमारा हाइपरबोलाइड जनरेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, अब यहां से पॉइंट निकाल लो जनरेटिंग लाइंस का। तो पॉइंट क्या होगा, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2+LR, तो एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 2+LR, वाई की वैल्यू 3+MR, जेड की वैल्यू -4+NR, तो ये आपके पास हो गया एनी पॉइंट ऑफ दिस फॉर एनी आर, किसी भी आर के लिए। सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, यदि हमारे पास तो पॉइंट होगा ठीक है, ऑन द जनरेटर ऑफ, ऑन द जनरेटिंग लाइन इज ऑन द हाइपरबोलाइड, क्योंकि जो पॉइंट जनरेटिंग लाइन पे होगा वो पॉइंट हाइपरबोलाइड पे भी होगा, क्योंकि हाइपरबोलाइड की एक लाइन को ही हमने क्या बोल रखा है, जनरेटिंग लाइन। सो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा ये किसके ऊपर होगा, जनरेटिंग लाइन। बेसिकली मेरे पास कोई भी एक लाइन है जिससे ये फिगर जनरेट हो रही है, कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे होगा तो वो इस फिगर पे होगा ठीक है। अगर इस फिगर पे होगा तो इसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट है तो वो क्या करेगा, इट्स सेटिस्फाइड ठीक है। ऑन द जनरेटिंग लाइन इज ऑन द हाइपरबोलाइड, इज ऑन द हाइपरबोलाइड 1 फॉर ऑल आर, हर आर के लिए होगा क्योंकि पूरी की पूरी लाइन उस हाइपरबोलाइड के ऊपर। तो सो इट मस्ट सेटिस्फाइड, सो द पॉइंट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, 1 पुट कर दो फॉर ऑल आर, करो पुट उस अंदर, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2+LR, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, LR+2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, नेक्स्ट MR+3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9, नेक्स्ट
एन आर माइनस फोर, माइनस है यहाँ पे, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ को इसको सिंपलीफाई कर दो। आप सिंपलीफाई किसमें करोगे, आर में। तो देखिए आर स्क्वायर बनेगा, आर बनेगा और कॉन्स्टेंट बनेगा, तो हर एक स्क्वायर टर्म को सिंपलीफाई करके आपको रीअरेंज करना है। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट सा तरीका बता देता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, हर टर्म को रीअरेंज नहीं करना। देखिए कैसे कर रहे हैं, यहां देख लीजिए, दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो आर स्क्वायर आपने ले लिया फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, ए स्क्वायर में बन गया एल स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर में बन गया एम स्क्वायर बाय नाइन, ए स्क्वायर में बन गया एन स्क्वायर बाय 16, इज इट फाइन, माइनस साइन बाहर आती है। प्लस प्लस बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर को मैं यहां लिख देता हूँ फोर, टू स्क्वायर फोर बाय थ्री स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ नाइन बाय नाइन, इसको यहाँ लिख देता हूँ 16 बाय 16 इक्वल टू। अब टू ए बी बच गया, टू ए बी दैट इज टू आर, ठीक है, टू ए ये है बी ये है, टू आर बाहर चला गया तो क्या बच गया, टू एम बाय फोर, यहां से क्या बच गया 3m/9, यहां से क्या बच गया -4m/16। अब देखिए माइनस टू ए भी आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यूज बच गई, इज इट फाइन, और प्लस में ये आपके पास था, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए नाउ दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर, क्या बच रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एल स्क्वायर बाय फोर, एम स्क्वायर बाय नाइन, एन स्क्वायर बाय 16 प्लस टू आर, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे सिंप्लीफाई अरेंज ही कर देता हूँ इसको, कोई तो जरूरत नहीं है दोबारा लिखने की, नेक्स्ट लाइन आपके पास एज इट इज आ जाएगी। देखिए तो ये क्या बन जाएगा, एल बाय टू, दिस इज योर एल बाय टू, दिस इज योर एम बाय थ्री, एंड दिस इज योर एम बाय फोर, इज इट फाइन। अब 4 बाय 4 वन, 9 बाय 9 वन, 16 बाय 16 वन, तो वन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू वन, तो ये आपके पास सारी चीज सिंप्लीफाई हो गई, क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज जीरो फॉर ऑल आर्स, तो मुझे आर ही निकालना, जब तो ये चीज हर आर के लिए जीरो है, अब हर आर के लिए जीरो कब हो सकती है, जब इनके कोफिशिएंट जीरो हो, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल आर ओनली, इट मींस एल स्क्वायर बाय फोर, एम स्क्वायर बाय नाइन, एन स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू जीरो, एंड एल बाय टू प्लस एम बाय थ्री इज इट फाइन प्लस एन बाय फोर इज इक्वल टू। अगर आपके पास ये चीज जीरो होंगी तो ही आपके पास ये इक्वेशन जीरो होगी। बस मुझे क्या करना है, एलिमेंट का रेशियो है तो निकालना है, आप क्या करो यहां से एक वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर, तो आप क्या करो यहां से एन निकाल, एन बाय फोर कितना आ गया, दिस इज माइनस एल बाय टू प्लस एम बाय थ्री, स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करते ही क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर बाय 16, दिस इज एल बाय टू एम बाय थ्री होल स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट वाले में, इसमें एल स्क्वायर बाय फोर, एम स्क्वायर बाय नाइन और एम स्क्वायर बाय 16 की वैल्यू ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई यहां कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से देखो आपको सिंप्लीफाई करना है, सो एल स्क्वायर बाय फोर, एम स्क्वायर बाय नाइन एंड माइनस दिस एल बाय टू प्लस एम बाय थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाय फोर, एम स्क्वायर बाय नाइन और माइनस टू एल एम बाय सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एल एम इक्वल टू जीरो, तो जब एल एम जीरो आ गया, तो एल एम जीरो है तो इसका मतलब आइदर एल जीरो और एम जीरो, तो दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर होगी। देखिए अब हमें क्या करना है, एल एम एम की वैल्यू ही तो निकालनी है, देखिए
हमारे पास क्या बना, आइदर एल जीरो और एम जीरो। अगर एल जीरो है इक्वेशन में रख दो एल जीरो, ठीक है, एल जीरो इक्वेशन में रखोगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो रख दो एल जीरो, लगते हमारे पास ये जीरो हो गया, इक्वेशन बच गई एम बाय थ्री एम बाय फोर इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एम बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस एन बाय फोर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एन बाय माइनस। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, दैट मीन्स एल बाय जीरो एम बाय थ्री और एन बाय माइनस फोर। इट मीन्स डायरेक्शन रेशियोज आर जीरो थ्री एंड माइनस फोर, यही बच गया आपके पास। अगर अगले में चलता हूं एन को जीरो रखता हूं, एल बाय टू एन बाय फोर जीरो, इट मीन्स एल बाय टू इज इक्वल टू एन बाय माइनस फोर, टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ टू आ जाएगा। तो अब की बार क्या बच गया, एल बाय वन एम बाय जीरो और एन बाय माइनस टू, तो आपके पास ये बच गया। तो अब की बार डायरेक्शन बच गया वन जीरो एंड माइनस टू रेशियो, मुझे तो बस रेशियो की वैल्यू का पुट करनी थी, तो रेशियो की वैल्यू आपके पास यहाँ पुट हो गई। तो हेंस वी कैन से दैट द इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइंस आर, सो द इक्वेशंस ऑफ जनरेटिंग लाइंस आर, करना क्या है सिर्फ आपको एल एम एन इसी क्वेश्चन में पुट कर दी, कर दो एक्स माइनस टू बाय एल जीरो एम वाई माइनस थ्री बाय एम थ्री जेड प्लस फोर बाय एन माइनस फोर। एक इक्वेशन तो ये आ गई एंड दूसरी इक्वेशन यहां से ले लो, क्योंकि दो कंडीशन आई है एक्स माइनस टू बाय वन वाई माइनस थ्री बाय जीरो एंड जेड प्लस फोर बाय एन की वैल्यू माइनस टू। सो दीज टू आर द इक्वेशंस ऑफ जनरेटिंग लाइंस विच पासिस थ्रू द पॉइंट टू थ्री एंड माइनस। एक बेसिक सा इजी कंसेप्ट है, किस तरह से करना है, हमने कुछ नहीं करना, एलिमेंट डायरेक्शन रेशियो मानने हैं, पासिस पॉइंट आपको दे रखा है, ये इक्वेशन से पॉइंट निकाल दिया, ये पॉइंट इस हाइपरबोलाइड के ऊपर होगा, हाइपरबोलाइड को सेटिस्फाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करा दिया, फ्रॉम दिस आर हमारा जनरल पॉइंट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर बनने मतलब क्या होगा, आर की वैल्यूज निकाल, उसी से हमारा सिंपलीफाई होगा। बट क्योंकि हमारे पास जो आर की इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक वो जीरो के इक्विवेलेंट है, तो दिस इज ट्रू फॉर ओनली इफ एंड द कोएफिशिएंट्स आर जीरो, तो दोनों कोएफिशिएंट जीरो रखेंगे, दोनों कोएफिशिएंट से मुझे एलिमेंट सिंपलीफाई करना है, तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी, पुट करने के बाद मेरे पास ये एलिमेंट की वैल्यूज आ गई रेशियोज, ये वैल्यू पुट कर दे आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइंस। इस तरह से आप हाइपरबोलाइड की इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइंस निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।